हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है दिशांत वाघेला, ये एक बिजनेसमैन है, यानी कि हमारे ग्रुप का जेठालाल। जब भी हम लोग कहीं पर भी ट्रिप पर जाते हैं तो ट्रेन की टिकट बुक करने से लेकर सारा मैनेजमेंट ये देखता है, जैसे कि होटल बुकिंग, फूड, टाइमिंग और ये सारी चीज़ें। एंड पूरे ट्रिप के दौरान कहीं पर भी अगर कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो ये पूरी करता है। ये है केवल रामबिया, पिछले 5 साल से ये रेगुलर जिम जा रहा है, फिर भी आज तक इसकी बॉडी नहीं बनी, क्योंकि 2.5 किलो का डंबल उठाने के लिए भी इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। इसको सपोर्ट देने के चक्कर में दूसरों की तो बॉडी बन जाती है, बट इसकी आज तक नहीं बनी। वैसे ये दिखने में जितना कमजोर है, दिमाग से उतना ही शार्प है, तब जाके ये आज CA है। ये है दिमेश चौहान, ये हमारे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है और सबसे बड़ा बोलबच्चन है। हर एक के ग्रुप में एक ऐसा मेंबर होता है जिसको अगर आप कोई भी काम दो तो वो एक बार में कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो काम कराने के लिए आपको उसको हजारों गालियां देनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो काम कंप्लीट होगा। निमेश हमारे ग्रुप का वही मेंबर है। ये है हर्षद द्वारा। जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक उसी वक्त इन भाई साहब ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। इसकी वजह से इसके पापा ने इसका नाम हर्षद रख दिया। वैसे ये दिखने में जितना डेंजरस है, इसके पकाव जोक उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस है। अगर आपने गलती से भी इसके पकाव जोक सुन लिए तो आई स्वेयर कि आपको सुसाइड करने का मन करेगा। ये है कौशिक पटेल, यानी कि मैं, मुझे लोग केपी के नाम से भी जानते हैं। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ एंड आज से मैं अपने ट्रैवल व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि महाराष्ट्र नासिक में है। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सुबह 4 बजे हम लोग नहा धोकर निकलते हैं अपने घर से और हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं बोरीवली रेलवे स्टेशन। वहां से थोड़ा बहुत नाश्ता लेकर हम लोग बैठ जाते हैं लोकल ट्रेन में और निकल जाते हैं दादर के लिए। दादर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही थोड़ी देर में हमारी नासिक जाने वाली तपोवन एक्सप्रेस स्टेशन पर आ जाती है। मुंबई से नासिक जाते वक्त रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने मिलते हैं। 3.5 से 4 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही त्र्यंबकेश्वर के लिए आपको सरकारी बसें और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। सरकारी बस की टिकट से 70 to 80 rupees पर पर्सन, जो कि आपको 3 से 4 घंटे में पहुँचाएगी, और शेयरिंग टैक्सी आपको 1 घंटे में पहुँचाएगी, जिनकी कॉस्ट है पर पर्सन 150 rupees। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो तो उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाते टाइम रास्ते में आपको अंजनेरी पर्वत दिखेगा, जहाँ पर अंजनी माता ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी और साक्षात महादेव ने अपने 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में वहां पर जन्म लिया था। और ये है हमारे टैक्सी वाले भैया, जिनका नाम है प्रतीक। अगर आप लोग को इनका नंबर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा।
प्रतीक भाई ने हमें अच्छे से गाइड भी किया और उनके टैक्सी के रेट जो है वो भी रिजनेबल है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वहां पर जाते हो तो इनसे आप कॉन्टेक्ट करके इनको बुक कर सकते हो। होटल में फ्रेशअप होके हम लोग निकल जाते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। होटल के लिए आप लोग वहां जाकर पता कर सकते हो, 700 से लेकर 3,500-4,000 तक भी आपको होटल अवेलेबल हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, वो हिसाब से आप होटल बुकिंग कर सकते हो। मंदिर के मेन एंट्रेंस तक पहुंचते ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो कि आपको तिलक लगाने के लिए आएंगे। इसके लिए वो लोग कोई भी चार्ज नहीं करते, आपको जो भी अपनी खुशी से देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। मेन एंट्रेंस से मंदिर के बीच में आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा जहां से आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो या फिर मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। ये है मंदिर का उत्तर द्वार जहां पर 200 पर पर्सन का टिकट लेकर आप लोग VIP दर्शन के लिए जा सकते हो। अगर आप वीकडेज में आओगे तो 2 से 3 घंटे में और वीकेंड में 7 से 8 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। एक तू ही सार है संसार तेरे चरण में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वो ज्योतिर्लिंग है जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक तू ही सार है संसार तेरे चरण में। तार देले आ गया तेरी शरण में। उपकार कर अब थाम ले तीनों जगत के पार कर। जो शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में है वैसा ही शिवलिंग मंदिर के बाहर स्थापित किया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के दर्शन एक साथ आपको होंगे। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मंदिर के बाहर बहुत सारे फोटोज क्लिक किए मेमोरीज के लिए और इसी तरीके से हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए।